अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन डोनट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिकन डोनट बनाने में आसान, बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारे डोनट्स आप सभी को पसंद आने वाले हैं। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट चिकन करते डोनट हैं। बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा केजी बोनलेस चिकन को लिया है। चिकन को हम एक बोल में डाल लेंगे, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को एक के बाद एक डालते जाएंगे। 1 इंच का अदरक के टुकड़े को मैंने ग्रेट कर लिया है। 10 से 15 लहसुन को चॉप कर लिया है, उसे अब हम चिकन में डालेंगे। यहाँ पर मैं स्प्रिंग ऑनियन को चॉप कर लिया है, लगभग 1 कटोरी है। 4 डंडियां मैंने काट लिए हैं, उसे भी हम चिकन में डालेंगे। 1 मीडियम साइज का आलू, उसे उबाल कर मैंने ग्रेट कर लिया है, उसे भी अब हम डालेंगे। 1 मुट्ठी भर हरा धनिया धोकर चॉप कर लिया है। 4 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। मैंने चिकन को मिक्सर जार में पीस लिया है। अब इसमें हम 2 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर को डालेंगे और मैं 4 टीस्पून भर के मोजरेला चीज को ग्रेट कर लिया है, उसे भी अब हम डालेंगे। वो तो जरूर डाल लें, बहुत मजे के बनते हैं डोनट्स हमारे। अब इन 2 इंग्रेडिएंट्स को भी चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने चीज और कॉर्नफ्लोर को चिकन में मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो चिकन पीसते समय ब्रेड को भी डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम को डाल के भी इसमें पीस सकते हैं, या नहीं तो बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। इससे हमारा जो बैटर है टाइट होगा, डोनट्स बनाने में आसानी होगी। तो कोट करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम को लिया है। मैंने ब्रेड को मिक्सर जार में पीस कर क्रम बना लिया है। अब यहाँ पर मैं 2 अंडों को तोड़ लिया है। अंडों में मैं चुटकी भर नमक डालकर फेंट लूंगी। बनाने के लिए पहले हम हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। जो चिकन का मिक्सचर है उसका एक छोटा सा पोर्शन निकालेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज में निकाल लेंगे। हथेली पर इस तरह से गोल कर लेंगे। हथेली पर इस तरह से शेप कर लेंगे। अब इसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बीच सेंटर में जो है हम एक होल बना लेंगे इस तरह से। लीजिए, हमारा डोनट तैयार है। अब हम डोनट को अंडे के बैटर में डिप कर लेंगे इस तरह से। और ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम को ठीक से कोट कर लीजिए। अब इसी तरह हम सारे डोनट्स को बना लेंगे। डोनट्स को मैंने बना लिया है। मैंने डोनट्स फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल हमारा लगभग गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके हमारे डोनट्स को डालेंगे। पांच डोनट्स को मैंने यहाँ पर डाल लिया है। अब हल्के हल्के इनको घुमा लेंगे।
डोनट्स को हल्के हाथों से घुमा लेंगे ताकि थोड़ा डायरेक्शन उनका चेंज हो जाए। मैं यहाँ पर ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया है, उसके बाद फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे दोनों साइड से पहले फ्राई कर लेंगे। हल्के हल्के गोल्डन हो रहे हैं हमारे डोनट्स और थोड़ा हम इसे फ्राई कर लेंगे। डोनट हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, बचे हुए डोनट्स को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हमारे चिकन डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से बने हैं, उतने ही मजेदार और आसान तरीके से हमारे डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं। आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।